नमस्कार मेरे भाइयों, ये वीडियो उनके लिए है जिनके घर वाले बहुत परेशान हैं कि बच्चे का रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आया है। वो तो शायद 80% तक जा सकता था, 90% तक जा सकता था, 60-70 के ब्रैकेट में कैसे अटक गया है। तो भाई बात बहुत सिंपल सी है। एक चीज़ माँ बाप जो बार बार भूल रहे हैं वो ये है कि रिजल्ट्स जो हैं वो CBSE बना रहा है लास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पे, ना कि कोई पेपर लेके। कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, कोई ढंग से चीज़ें नहीं हुई है, कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं थी, किसी के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं थी। तो अगर रिजल्ट्स आए भी हैं तो उनका बेसिस और क्राइटेरिया क्या है ये किसी को नहीं पता है। हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं था, इस बार भगवान के हाथ में ही रिजल्ट था। सो इफ़ यू आर डिसअपॉइंटेड विथ योर रिजल्ट, इफ़ यू फील लाइक, मुझे कॉमेंट करके बताना यार तुम लोग का क्या कहना है, क्या बोलना चाहते हो तुम इस बारे में, ज़रूर बताना। बट वॉट आई थिंक इज कि फॉर नाउ एटलीस्ट डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट, इंस्टेड अपने फ्यूचर को लेके तैयारी करना चालू कर दो, सो दैट तुम्हारा फोकस सही जगह पे शिफ्ट हो जाए। जो रिजल्ट्स आए उनका कोई बेस नहीं है। क्या तुम अपने आप को इस रिजल्ट के बेसिस पे जज करोगे? बिल्कुल जज मत करना। क्या जो रिजल्ट है वही तुम हो? बिल्कुल नहीं, तुम उससे बहुत आगे कुछ कर सकते हो। बताओ मुझे कॉमेंट करके कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है, कैसा रहा, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम खुश हो या रिजल्ट से नहीं हो, जो भी कुछ है प्लीज़ मुझे बताना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार।